पढ़ाए हैं और मंजिल पर पहुंचाए हैं, जो लड़का शहीद हो गया तो हमको क्या आधार मिलना चाहिए सब सरकार को? मेरे भाई अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, इस पे मुझे गर्व है, लेकिन उनका पद हमें चाहिए क्योंकि अपने माँ का मैं पुत्र के समान हूँ। और आ गए तो उनके जगह पर कल आप देख रहे हैं खबर आर पार, और अभी मैं मौजूद हूँ मिथिलेश जी जो शहीद हुए हैं मिथिलेश यादव के दरवाजे पर। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जन सैलाब धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कुछ ही क्षण में उनका पार्थिव शरीर आने वाला है। और देख सकते हैं किस तरह से इस एरिया के सारे लोग धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। वैसा ही कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोग से हम बात करना चाहेंगे कि आज मिथिलेश जी जो देश के नाम शहीद हुए हैं, आखिर जो शहादत दिया है उसको लेकर के लोगों का क्या कुछ कहना है? ऐसे कैसे मतलब शहीद हो गया, शहीद हो गया ऐसे हम लोग कैसे मान जाएंगे? ये मानने का कोई जगह है? आप क्या चाहते हैं उसका सही हम लोग का निचोड़ चाहिए, कैसे हुआ, क्या हुआ, काहे ऐसे हुआ? हम लोग उनको पढ़ा लिखा कर दिए है देश के रक्षक करने के लिए कि उनको देश के तो फिर उसका कारण होता है ना कि कैसा मारा, काहे मारा? तो क्या कुछ जानकारी मिला है? कुछ नहीं मिला है हम लोग का, यहाँ कुछ नहीं जानकारी दिया जाता है, जानकारी कुछ नहीं दिया गया है कैसे वो शहीद हुए, क्या हुए, अभी कुछ मालूम नहीं है हम लोग का। ऐसा ही कॉल आ गया कि बस कब आया कॉल? 1-2 बजे रात में आया। चलिए आप कौन है? जी हम मिथिलेश कुमार के चाचा जी हैं। चाचा जी हाँ, कैसे जानकारी मिला आपको? हमको जानकारी मिला 1 बजे रात में कि पैर भी छिल गया, गिर गया। तो हमारे भाई ने बोला कि इतना दिन से पैर नहीं बिछिलता था, आज कैसे पैर भी छिल गया, ये सोचने वाली बात है। तो खैर जो जंग की अति में जो भर्ती में जाता है, सैनिक में जाता है तो बहुत खुशी की बात है ना, तो देश के लिए शहीद हो गया ये भी खुशी की बात है ना। लेकिन सरकार को वो छोटी एकलौता लड़का था, उसको माँ बाप की कोई आधार नहीं है, वो टूटी हुई घर है, झोपड़ी है, घर नहीं बना, और जीवा लेकलावता लड़का था वो भी चला गया, उसकी छोटी बहन है, उसकी शादी नहीं हुआ है। वो मिथिलेश कुमार को जो शादी होने वाला था तो 2 महीने के बाद इस घर में बहू आना चाहिए, तो इस समय देख रहे हैं कि मिथिलेश कुमार शहीद होकर के दरवाजे पर आए है ना। हम यही जानना चाहते, एकलौता लड़का था, अगर एक भी और लड़का था तो एक देश के लिए शहीद हुआ, हम उसको भी भेज देते शहीद होने के लिए। तो सही सरकार को इसको सही न्याय करना चाहिए कि उसके माँ बाप को, उसको बहन को कुछ दे कि उसकी परवस्ती हो, उसकी लड़की को, एक लड़की है उसको नौकरी होना चाहिए, और बिहार गवर्नमेंट को देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए, हमको यही जवाब। और जवाब उसको माँ बाप के लिए पेंशन भी लागू किया जाए, मुआवजा भी दिया जाए, हम लोग का यही कहना है। हमारा जो भैया है, हमारा भाभी है, उसका पेंशन का लागू किया जाए, और हमारा एक छोटा भतीजी है उसका नौकरी का दिया जाए, जो बहन है उसको नौकरी दी जाए, दिया जाए। कितने साल की है? 18 साल का है। तो चलिए मिथिलेश यादव जी का पिताजी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कुछ क्या कुछ कहना है। कहना तो यही है सर जी, हम ईंटा ढोकर पढ़ाए हैं, चिमनी में ईंटा ढोकर के पढ़ाए हैं और मंजिल पर पहुंचाए हैं, जो लड़का शहीद हो गया तो हमको क्या आधार मिलना चाहिए सब सरकार को? मतलब एक बेटी है उसको नौकरी देना। हाँ जी, और हम दोनों बेकत का भी आधार चाहिए, अब बेटी का भी नौकरी चाहिए, अब आगे क्या प्रावधान करेंगे सरकार? अब समझ तो सरकार जो शहीद को मिलता है तो आपको मिलवे करेगा जी सर, लेकिन इसके अलावा नौकरी आप चाहते हैं? जी जी, हमने दो बेकत के पेंशन जो हो वो मिलना चाहिए। देख सकते हैं माँ का क्या स्थिति है, जिस जिस माँ का एक ही लाल है और वो भी देश के नाम शहीद हो गया है। कल सिमुआ के छोड़ ला कर रखा, अब बॉबी सब कुछ आगा बेटा के, अब हमनी के कमा के किया, हम कमा के पढ़ा ले रानी बेटा मरल नहीं के।
शहीद हो गई बा टेंशन मत ली आज दादा हां अमानी के कुछ नहीं के आइए घर आइए बारी बाबा अमानी बड़ी बात है तू बोलई करा लेवे गो ये दे बारी ये गो सामान पहले बा हमारा न जाके उधर हो गल हो गल हमरा बेटी आगे हमनी के काम आगे के किया आई बेटी के नौकरी होई टेंशन मत ली मेरे भाई देश की रक्षा करते थे वो मेरे भाई अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए इस पे मुझे गर्व है लेकिन उनका पद हमें चाहिए क्योंकि अपने माँ का मैं पुत्र के समान हूँ और आ गए तो उनके जगह पर मुझे कुछ चाहिए उनका पद मुझे चाहिए आपको नौकरी चाहिए जी उनका पद हमें चाहिए जी उनको देखने वाला कौन है बोलिए अब कौन है दीजिए हमको उनका पद हमें चाहिए चाची बहुत लोग देखी सब कोई देखी देखी लोग सब कोई देखी। चलिए इस पंचायत के मुखिया जी हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे कि जो मिथिले जी शहीद हुए हैं उनको लेकर इनका क्या कुछ कहना है। बहुत दुख की बात है जो होना है बहुत दुख की बात है ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग जितना से जितना सहयोग करेंगे उनका हर चीज़ से हम लोग सहयोग करेंगे